वेलकम टू माय चैनल आइला टॉक्स। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको मुस्लिम विधि में भरण पोषण के बारे में बताऊंगी। मुस्लिम विधि में भरण पोषण को नफका के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो भरण पोषण से संबंधित है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन दिया है उसके उस पर आप क्लिक करिए। मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं भरण पोषण के बारे में। मुस्लिम विधि में भरण पोषण को नफका कहते हैं। भरण पोषण में भोजन, वस्त्र, आवास सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यही मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। उसको भोजन, वस्त्र और आवास मिल जाए, यही एक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है। भोजन, वस्त्र और आवास में एक अच्छा भोजन, एक पौष्टिक भोजन और उसी तरह का भोजन जैसा कि पति खाता है, वैसे ही वस्त्र जैसा पति पहनता है और वैसा ही आवास, रहने का स्थान जैसा कि पति के पास उपलब्ध है, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर भरण पोषण बनता है। भरण पोषण के मामले में मुस्लिम विधि जो है वो अन्य व्यक्तिगत विधि या हिंदू विधि की तरह उदार और सहिष्णु नहीं है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम विधि जो है वो परिवार के सदस्यों के भरण पोषण के दायित्व को मान्यता नहीं देती है। मुस्लिम विधि जो है उसमें भरण पोषण एक ऐसा भरण पोषण का अधिकार है जिसमें कि विवाहित स्त्री तक ही सीमित है। तलाकशुदा स्त्री को ये भरण पोषण देने से इनकार करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि यह उदार और सहिष्णु नहीं है और अन्य व्यक्तिगत विधियों से यह भरण पोषण की विधि अलग है। मुस्लिम विधि में भरण पोषण का जो अधिकार है वह उसी स्थिति में उत्पन्न होता है जब भरण पोषण का दावा करने वाला व्यक्ति अपनी जीविका उपार्जन करने में असमर्थ हो, मतलब वह अपनी जीविका नहीं कर पाता हो या वो अपना स्वयं का भरण पोषण नहीं कर सकता हो, तो वही व्यक्ति भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकता है। नफका के लिए वही व्यक्ति जा सकता है। भरण पोषण पाने का अधिकार किन व्यक्तियों को प्राप्त है? तो भरण पोषण का जो अधिकार है वो मुस्लिम विधि में चार प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है। पहला होता है पत्नी, और पत्नी में सम्मिलित है विवाहित पत्नी, जो पति से विवाहित हो और पति के साथ या पति से अलग रह रही हो। दूसरा है वंशज, वंशज में उस व्यक्ति के पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री आदि आ जाएंगे। और तीसरा है उस व्यक्ति के पूर्वज, पूर्वज में उसके माता पिता, पितामह, पितामही आदि आ जाएंगे। और उसके बाद है रक्त संबंधी, रक्त संबंध में उस व्यक्ति के रक्त संबंध के आधार पर जितने भी प्रतिष्ठित डिग्री के भीतर आने वाले अन्य नातेदार हैं वो समस्त नातेदार उसमें आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम विधि है उसमें नफका में भोजन, वस्त्र और आवास सम्मिलित है और चार प्रकार के लोगों को ये भरण पोषण मिलता है। अब हम बात करते हैं पत्नी के भरण पोषण की। मुस्लिम विधि में पत्नी जो है वो निम्नलिखित प्रकार से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। कौन से प्रकार से? तो तीन प्रकार से। पहला, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत, मतलब मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, करार के अंतर्गत। अगर पति पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो भरण पोषण से संबंधित, तो वो करार के अंतर्गत ले सकती है। फिर है दंड प्रक्रिया संहिता, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भी भरण पोषण को प्राप्त कर सकती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक मुस्लिम महिला है, तो मुस्लिम महिला जो है वो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत ही भरण पोषण को तलाशेगी और उसी के अंतर्गत वो भरण पोषण प्राप्त करेगी। व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत अगर पत्नी यौनावस्था प्राप्त कर ले तो ही वह अपने पति से भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। मतलब पत्नी को यौनावस्था प्राप्त करना आवश्यक है। आवयस्क में पत्नी है तो वो अपने पति से भरण पोषण नहीं प्राप्त कर सकती है, वो संरक्षक से या पति के संरक्षक से या अभिभावकों से भरण पोषण ले सकती है, लेकिन पति के ऊपर भरण पोषण की दावेदारी नहीं कर सकती है।
अगर वो वयस्क हो जाती है तो वह अपने पति से भरण पोषण की राशि या भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। मुस्लिम विधि में चूंकि एक से अधिक पत्नियों को एक साथ रखने का प्रचलन है, यदि पति दूसरा विवाह करता है तो पहली पत्नी जो है वो भरण पोषण और पृथक निवास के लिए दावा प्रस्तुत कर सकती है। पर्सनल विधि में, व्यक्तिगत विधि में, मुस्लिम विधि में एक से अधिक शादी अगर पति करता है तो उसके ये कर्तव्य हो जाता है कि वह प्रत्येक पत्नी को उचित भरण पोषण और निवास की व्यवस्था उपलब्ध कराए। अगर पत्नियां एक साथ रहने को तैयार हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर पत्नियां चाहती हैं कि वह अलग अलग रहें तो ये उनका अधिकार है कि वह पति से अलग रहकर भी भरण पोषण प्राप्त कर सकती हैं। पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत, मुस्लिम लॉ के अंतर्गत पत्नी का भरण पोषण देने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में पति बाध्य होता है। वो परिस्थितियाँ कौन सी होती है? पहली, पत्नी ने यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया हो, पत्नी बालिक हो गई हो, बालिकता की उम्र मुस्लिम विधि में 15 वर्ष है। दूसरा है कि जब वह स्वयं को उसके अधिकारों में समर्पित कर देती है, मतलब जब पत्नी जो है वो पति की हर जायज़ हर लीगल डिमांड को पूरा करती हो और वो पति के पास बिना रोक टोक के पहुंचती हो, मतलब कि सीधा सा उनका ये कहना है कि पत्नी जो है वो पति द्वारा कही हुई हर बात को मानती हो, लेकिन जो बात लीगल हो, वैध हो, उसी को, और किसी भी प्रकार से पति के साथ संबंध बनाने से बिना किसी उचित कारण के इनकार ना करती हो, पति की हर जायज़ मांगों को पूरा करती हो। तो अगर वो अपने आप को पूरी तरह से पति में समर्पित कर देती है तो ऐसी महिला जो है वो व्यक्तिगत विधि के अंतर्गत, मुस्लिम विधि के अंतर्गत पति से भरण पोषण पाने की अधिकारिणी हो जाती है। तीसरा है कि जब विवाह मान्य हो, मतलब पति पत्नी के बीच में जो विवाह संपन्न हुआ है वो विवाह लीगल होना चाहिए। अगर विवाह लीगल है तो पत्नी भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होगी। अब जब विवाह मान्य कब कब होगा, कौन सी परिस्थितियों में होगा, इसके लिए आप मेरे इसके पहले वाले जितने भी मुस्लिम विधि के मैंने वीडियो अपलोड करे हैं उसमें मैंने विवाह के शून्य और शून्यकरणी और मान्य विवाह के बारे में भी एक वीडियो डाला है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा इजीली ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पत्नी के भरण पोषण से संबंधित एक सबसे फेमस वाद है, केस है बेगम सुबानु बनवाम अब्दुल गफूर खान। इस केस में उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक विचारणीय प्रश्न था कि क्या किसी मुस्लिम पति द्वारा दूसरा विवाह कर लेने के पश्चात उसकी पहली पत्नी को अपने पति से अलग निवास करने का और भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार होता है। तो उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि कोई मुस्लिम पति किसी दूसरी महिला से विवाह कर लेता है तो उसकी पहली पत्नी को यह अधिकार होता है कि वह अलग रहकर भी भरण पोषण की डिमांड कर सके। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्सनल लॉ के अंतर्गत, मुस्लिम विधि के अंतर्गत वो कौन से परिस्थितियां हैं जिसमें कि पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलेगा। तो पहला, यदि पति को कारावास हो गया हो, अगर पति को जेल हो गई हो तो पति को जो है, पत्नी को जो है भरण पोषण नहीं प्राप्त होगा। यदि पत्नी जारता में रह रही हो, जारता का मीनिंग पता है कि शादीशुदा पत्नी अगर किसी अन्य पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाती है तो ये कहा जाता है कि वह जारता कर रही है। अगर पत्नी जारता में रह रही हो तो ऐसी पत्नी को भी भरण पोषण नहीं मिलेगा। तीसरा है, आपसी समझौते के अंतर्गत अलग रह रही हो, अगर पत्नी और पति के बीच में एक समझौता हो गया हो और वो आपसी समझौते के अंतर्गत एक दूसरे से अलग रह रहे हों तो ऐसी कंडीशन में पत्नी जो है वो पति से भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकती है। चौथा है, यदि वह यौवनावस्था को प्राप्त नहीं है, अगर वो नाबालिग है तो फिर वो अपने पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। और पांचवा है, वैवाहिक कर्तव्यों का पालन नहीं करती हो, अगर पत्नी जो है जितने भी विवाह के कर्तव्य हैं जो पत्नी के पालन करने के होते हैं अगर वो पालन नहीं करती है तो वो पति से भरण पोषण प्राप्त नहीं कर सकती है। और सिक्स है कि वैध उचित कारण के बिना पति का त्याग करती हो, अगर वो किसी
उचित कारण के बिना या वेद कारण के बिना अपने पति को छोड़कर अलग रहने चली जाती है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं विधवा पत्नी की। क्या विधवा पत्नी को भरण पोषण का अधिकार प्राप्त है? तो विधवा पत्नी जो है वो अपने पति की संपत्ति से भरण पोषण पाने की हकदार नहीं होती है। पति की मृत्यु के पश्चात इद्दत पालन की अवधि में भी वो भरण पोषण की हकदार नहीं होती है। इद्दत की अवधि आपको पता ही है, 4 महीना 10 दिन। और अगर वो गर्भवती है तो भी वो भरण पोषण नहीं ले सकती है। क्यों नहीं ले सकती है? तो वो भरण पोषण का अधिकार उसको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि पति की मौत के बाद पति की जितनी भी संपत्ति होती है उसकी उत्तराधिकार पत्नी होती है, और पत्नी चूंकि उत्तराधिकार हो गई है उत्तराधिकारिणी हो गई है, उसका संपत्ति पर अधिकार हो गया है, तो फिर वो भरण पोषण नहीं ले सकती है क्योंकि या तो वो उत्तराधिकार ले ले या भरण पोषण ले ले, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती हैं। तो इस वजह से पत्नी को भरण पोषण का अधिकार नहीं है, विधवा पत्नी को। अब हम बात करते हैं तलाकशुदा पत्नी को। क्या मुस्लिम विधि में तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण प्राप्त है? तो नहीं। पति द्वारा तलाक दी गई पत्नी केवल इद्दत की अवधि में ही भरण पोषण पाने की अधिकारिणी होती है। इद्दत अवधि में भरण पोषण पाने का सिद्धांत नहीं है। वो केवल कब करेगी कि मतलब इद्दत अवधि में उसको क्या, केवल खाना रहना और खर्चा 3 महीना 10 दिन, उतनी अवधि तक पति उसका भरण पोषण करेगा, लेकिन उसके पश्चात वो उसका भरण पोषण नहीं करेगा। अगर पत्नी को, तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण अपना प्राप्त करना हो तो उसको व्यक्तिगत विधि में तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, पर वो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत वाद को दायर कर सकती है। अब हम बात करें करार के अंतर्गत भरण पोषण की। अगर पति पत्नी दोनों के बीच में कोई करार हो जाता हो, और अगर पति पत्नी के बीच में करार नहीं होता हो और वो दोनों आवयस्क हों, तो आवयस्क की अवस्था में उनके जो संरक्षक है उन संरक्षकों के मध्य अगर भरण पोषण का कोई करार हो गया हो तो उस करार के आधार पर पत्नी अपने पति से भरण पोषण की हकदार होती है। परंतु ऐसा जो करार है वो विधि विरुद्ध और लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पति और पत्नी के बीच एक करार होता है कि पति दूसरा विवाह नहीं करेगा, और यदि पति पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह कर लेता है तो पहली पत्नी अपने माता पिता के साथ रहकर भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार होती है। तो ये करार द्वारा भरण पोषण हुआ जिसमें कि पति पत्नी दोनों के बीच में एक करार होता है। फिर हम बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भरण पोषण की। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 जो है वो भरण पोषण के लिए उपचार प्रदान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से 128 तक में भरण पोषण से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। ये जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 है ये सभी धर्म के व्यक्तियों के ऊपर लागू होती है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों और उनकी अपनी व्यक्तिगत विधियाँ ही क्यों ना हों। ये जो धारा है ये एक ऐसी धारा है जो कि समानता की बात करती है, और सब भरण पोषण वाले सारे लोग इसके अंदर एक समान है, धर्म के आधार पर विभेद नहीं करती है। यह उपबंध जो है वो एक सामाजिक समस्या का समाधान करते हैं और साथ ही साथ नैतिक कर्तव्यों को पूरा करके भी उपचार प्राप्त उपलब्ध कराते हैं। धारा 125 में पत्नी शब्द जोड़ा गया था, पर पत्नी शब्द के अंतर्गत इसमें विवाहित और तलाकशुदा दोनों पत्नियों को शामिल किया गया है। भारत में चूंकि विभिन्न समुदायों के लोग लागू रहते हैं और उनके ऊपर अपनी अपनी व्यक्तिगत विधियां लागू होती हैं, तो व्यक्तिगत विधियों को ध्यान में रखकर तलाकशुदा पत्नी के भरण पोषण के अधिकार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब कौन सी व्यक्तिगत विधि में तलाकशुदा पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलता है? तो मुस्लिम व्यक्तिगत विधि में। तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं को ध्यान में रखकर ही तलाकशुदा महिलाओं को भी पत्नी के रूप में शामिल किया गया है। जब तक कि वह पुनर्विवाह नहीं कर लेती वह भरण पोषण की हकदार होती हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मुस्लिम महिला जिसको कि भरण पोषण अगर मुस्लिम लॉ में नहीं मिल रहा है तो वह इसमें जा सकती हैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत। मोहम्मद अहमद खां और शाहबानो बेगम का मामला ऐसा मामला था जिसमें कि इस धारा के अंतर्गत उसको भरण पोषण मिला था,
तलाकशुदा पत्नी को अपने पति से। और उसके बाद से तो बहुत सारे ऐसे केस हो गए हैं, जैसे डेनियल लतीफ़ी, बाबूलाल और भी कई केस है जिसके अंदर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार मिला गया है, क्योंकि उनको व्यक्तिगत विधि में भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं जो हैं वो भरण पोषण को प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया।